कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सेकेंड पार्ट यानी भूगोल। प्रश्न है, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण। हमारा देश भारत जो है कृषि प्रधान देश है, दो तिहाई जनसंख्या जो है कृषि में समग्र है, फिर भी हमारी कृषि जो पिछड़ी हुई है, उत्पादन कम हो रहा है, तो इसका क्या कारण है आज हम बता रहे हैं आपको। पहला कारण है कृषि की वर्षा पर निर्भरता। भारत की कृषि जो है जुआ का खेल है, मानसून पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। अगर मानसून समय से आई, समय तक रही, अच्छी वर्षा हुई, तब तो कृषि अच्छा होगी, वरना हमारी कृषि जो है कृषि में उत्पादकता जो है कम होगी। तो पिछड़ेपन का पहला कारण है कि कृषि की वर्षा पर निर्भरता, वर्षा पर निर्भर। अगर वर्षा अच्छी हुई तो कृषि अच्छा होगी, नहीं तो कृषि अच्छी नहीं होगी। तो ज्यादातर वर्षा नहीं होती है, मानसून समय से पहले चली जाती है या समय के बाद आती है, इसलिए जो है कृषि में पिछड़ जाती है, उत्पादकता कम होती है। दूसरा कारण है कृषि जोतों का छोटा होना। भारत में कृषि के क्षेत्र जो है बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि एक पिता के दो पुत्र हैं तो दो भाग में कृषि बढ़ जाती है, उनके भी पुत्र हुए तो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं, कृषि के क्षेत्र में बढ़ जाते हैं। इस तरह से कृषि के क्षेत्र इतने छोटे हो जाते हैं कि हम उस पर जो है आधुनिक ढंग से कृषि नहीं कर पाते। इस मशीनीकरण के युग में उस पर जो है आधुनिक ढंग से हम खेती नहीं कर पाते हैं, जिससे हम कृषि में पिछड़ जाते हैं, उत्पादकता हमारा कम। तो कृषि जोतों का छोटा होना भी एक कारण है। तीसरा कारण है कृषि की पारंपरिक तकनीकें। अभी भारत में कृषि जो है पुराने तरीके से ही की जा रही है, जो आधुनिक ढंग की मशीनें चली गए, आधुनिक तरीका चला है, उस ढंग से ज्यादा किसान जो खेती नहीं कर पाते हैं गरीबी के कारण, जिससे हमारी उत्पादकता जो है कम होती है। इसके बाद चौथा कारण बीज का अभाव। गरीबी के कारण भी बहुत से किसान जो है अच्छे अच्छे बीज खरीद नहीं पाते हैं, या जितनी मात्रा में हमको बीज चाहिए उतना बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है समय से, जिससे हम अच्छे बीज का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और उत्पादन हमारा कम होता है। पांचवा कारण है भूमि पर जनसंख्या भार की वृद्धि। हमारी जनसंख्या दिन पर दिन जो है बढ़ती जा रही है, तो जब ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि का क्षेत्र जो है आवास के रूप में बदलता जा रहा है, हम उसको आवास के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो कृषि का क्षेत्र जो है सिकुड़ रहा, कम होता जा रहा है। जब कृषि का क्षेत्र कम होगा तो उत्पादन भी कम होगा, तो इस तरह से उत्पादन कम होने का या पिछड़ेपन का एक कारण है भूमि पर जनसंख्या भार की वृद्धि। और छठवां जीविकोपार्जन का साधन। ये भारत के लोग जो है अधिकांश लोग कृषि को केवल जीविका उपार्जन का साधन समझते हैं, इसको व्यवसायिक रूप से नहीं देखते, उसको केवल अपने जीविका का साधन समझते हैं। इसलिए जितना ही उत्पादन हो गया, चलिए हमारे जीवन भर खाने पीने पर हो गया, संतोष कर जाते हैं, इससे ज्यादा उत्पादन नहीं चाहते हैं, इसलिए भी हम कृषि में पिछड़े हुए हैं। अगर इसको व्यवसायिक ढंग से किया जाए, व्यवसायिक दृष्टि से किया जाएगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, लेकिन हम पिछड़े जा रहे हैं, जीविका उपार्जन का साधन समझते हैं। अंतिम कारण है भारत में प्राकृतिक आपदाएं। भारत में प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आती है, जैसे सूखा पड़ना, अतिवृष्टि होना, ओला पड़ना, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जो फसलों को नुकसान कर देती हैं और हमारा उत्पादन जो है कम होता है। इस तरह से हम कृषि में पिछड़े गए, यही कारण है कृषि के पिछड़ेपन के। धन्यवाद। शेष हो गए।